वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फर्नीचर के बारे में। घर की सुंदरता बढ़ाने में फर्नीचर का खास योगदान होता है और इसके लिए आप काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन कई बार महंगा और डिज़ाइनर फर्नीचर भी हमारे घर में वास्तु संबंधी समस्या का कारण बन जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन फर्नीचर खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा या किस दिन आपको फर्नीचर के लिए लकड़ी खरीदनी चाहिए और किस दिन इसे खरीदना आपके लिए अशुभ रहेगा। मंगलवार, शनिवार, अमावस्या के दिन फर्नीचर के लिए लकड़ी न खरीदें या फर्नीचर न खरीदें। इन दिनों को छोड़कर और पंचक के दिनों को छोड़कर, यानी धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों को छोड़कर, आप किसी भी दिन लकड़ी खरीद सकते हैं। अच्छा योग देख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रहे कि वो फर्नीचर किसी पेड़ की लकड़ी का बना हुआ है, किस पेड़ की लकड़ी का बना है ये आपको सही जानकारी होनी चाहिए, और वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी सकारात्मक ऊर्जा वाले पेड़ की लकड़ी ही उपयोग में लानी चाहिए, जैसे शीशम, चंदन, नीम, अशोक, सागवान, साल और अर्जुन। ये सभी शुभ फल देने वाले हैं।